हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको गेट 2022 के एग्जाम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में गेट एग्जामिनेशन क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगती है, कौन से सब्जेक्ट्स या पेपर्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है, इस एग्जाम को अपियर होने के लिए या फिर फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगती है, उसके बाद हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है एग्जाम के लिए एप्लीकेशन करने के लिए वो डेट्स कौन सी है, ये आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगले वीडियोस में गेट 2022 का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, और जो FAQs है जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं उसके बारे में हम अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस गेट एग्जामिनेशन। गेट का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और ये गेट 2022 एग्जाम जो है ये कंडक्ट की जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर द्वारा अलोंग विथ 7 IITs। और ये 7 IITs है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की। और अगर आप इस गेट एग्जाम में क्वालिफाई हो गए तो इसका जो स्कोर है ये आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने और इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद अगर आपको PhD करना है तो भी ये स्कोर वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ ये जो गेट का जो स्कोर है ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है अगर उनको कुछ कैंडिडेट्स को जॉब देना है तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये जो गेट्स का स्कोर है वो कंसिडर करते हैं। उसी के साथ जो अदर यूनिवर्सिटीज है या फिर इंस्टीट्यूट्स है वो भी गेट स्कोर को कंसिडर करते हैं अगर उनके यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूट्स में कैंडिडेट्स को एडमिशन देना है तो। उसी के साथ ये जो गेट 2022 का जो स्कोर रहेगा आपका ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, जहां से आपका रिजल्ट लगेगा वहां से। तो ये हो गया गेट एग्जामिनेशन के बारे में। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है मतलब कौन से कैंडिडेट्स गेट एग्जाम को अपीयर हो सकते हैं या फिर गेट 2022 एग्जाम दे सकते हैं, तो जो कैंडिडेट अभी थर्ड ईयर में पढ़ रहा है या फिर फाइनल ईयर में पढ़ रहा है और एनी हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, और जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है डिग्री एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री, दैट मे बी फ्रॉम इंजीनियरिंग, दैट मे बी फ्रॉम टेक्नोलॉजी, दैट मे बी फ्रॉम आर्किटेक्चर, दैट मे बी फ्रॉम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये सब कैंडिडेट इस गेट 2022 को अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम को अपियर हो सकते हैं। एंड दिस एग्जाम इट विल बी कंडक्टेड इन द सिलेक्टेड सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया। इंडिया के कुछ सिलेक्टेड सिटीज में और टाउन्स में ये गेट 2022 की एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट की जाती है। और ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए ध्यान में रखना है कि गेट जो एग्जाम है इट इज नॉट एन एडमिशन एंसरिंग एग्जामिनेशन। आप गेट क्वालिफाई गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन वहाँ पे कन्फर्म हो गया। उसी के साथ क्वालिफाइंग इन गेट एग्जामिनेशन इट डज नॉट गारंटी एनी एडमिशन। गेट की एग्जाम में क्वालिफाई होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी वहाँ पे मिल गई है, आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई है। एंड एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूट इट इज फुल्ली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया फॉर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड एट द सेम टाइम दैट गेट क्वालिफिकेशन आप हो गए इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको एश्योरेंस करे कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा, तो आपको ये ख्याल में रखना है। लेकिन जब आप गेट क्वालिफाई होंगे और आपके स्कोर के अनुसार आपको एडमिशन वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि गेट क्वालिफाई हो गए तो आपका एडमिशन वहां पे कन्फर्म हो गया। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में।
अभी गेट 2022 में कौन से पेपर्स है, तो यहाँ पे टोटल 29 पेपर्स इंक्लूड किए गए हैं गेट 2022 पे। और यहाँ पे कुछ जगह पे आपको स्टार दिखेगा, इसका मतलब है ये जो स्टार वाले पेपर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग है तो ये, या फिर नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, तो ये पेपर्स नए से यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं गेट 2022 में। तो ये टोटल 29 पेपर्स है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे कि एयरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लाइफ साइंसेस है। तो ये अलग अलग पेपर्स यहाँ पे गेट 2022 के है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन फी पर सब्जेक्ट। जेंडर और कैटेगरी अगर फीमेल है और एससी एसटी या फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की कैटेगरी से कैंडिडेट्स है तो इनके लिए रेगुलर पीरियड के लिए जो 750 रुपये फीस है, और एक्सटेंडेड पीरियड दैट इज विथ लेट फी है 1250 रुपये। ऑल अदर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट ऑल दिस फीमेल एंड कैटेगरी कैंडिडेट्स, रेगुलर फीस जो है उनके लिए ऑल अदर कैंडिडेट्स को वो 1500 रुपये है, एंड एक्सटेंडेड पीरियड विथ लेट फी जो है वो है 2000 रुपीज। एग्जामिनेशन डेट्स जो है गेट 2022 की 5 फरवरी 2022, उसके बाद 6 फरवरी 2022, 12 फरवरी 2022 एंड 13 फरवरी 2022। देन ऑल दीज डेट्स दीज आर मेंशन, दीज आर लायबल टू चेंज बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन। आप सभी को पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो फॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा पैंडेमिक खत्म हो गया तो इसके अकॉर्डिंगली वहां पे एग्जाम हो जाएगी आपकी, अदरवाइज जैसी उस वक्त सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंगली वहां पे चेंज हो सकता है। इसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड टाइमलाइन, ये इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम के लिए, गेट 2022 एग्जाम के लिए। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंडे 13 अगस्त 2021, मतलब 30 अगस्त 2021 को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहां पे आप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है फ्राइडे 24 सितंबर 2021, ये लास्ट डेट है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। देन एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ लेट फी वो है फ्राइडे 1 अक्टूबर 2021, यहाँ पे आपको फीस ज़्यादा लगेगी विथ लेट फीस। एंड जो रिजल्ट है इसका अनाउंसमेंट रिजल्ट वो रहेगा थर्सडे 17 मार्च 2022, अगर इस शेड्यूल के अनुसार एग्जाम हो गई तो। तो ये हो गया एग्जाम के बारे में, गेट 2022 एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपके समझ में आई होगी, एंड अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, एडमिशन हाउ टू फिल दैट फॉर्म, देन कौन से FAQs है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।